एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट के एमबीए के प्रथम वर्ष के छात्रों ने आज कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने हमें आगे प्रमोट करने का निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रही है और हमें कह रही है कि एग्जाम देना होगा। कॉलेज को छात्रों के भविष्य से ज्यादा कॉलेज फंड की चिंता है। डेढ़ साल होने को आया, लेकिन अभी तक कॉलेज ने हमें प्रमोट नहीं किया है और कुछ दिनों बाद हमारे लोन का ईएमआई भी कटना शुरू हो जाएगा और अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे भरेंगे। ये कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे भविष्य से कॉलेज जो खिलवाड़ कर रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कॉलेज प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होगा। टेकरीवाल ट्रैक्टर्स ने दिया शानदार ऑफर। पुराना ट्रैक्टर लाए, नया ले जाएं। कम डाउन पेमेंट और आकर्षक ब्याज दर पर टेकरीवाल देने जा रहे हैं मजबूत साथ। लाजवाब ताकत और बेहतरीन माइलेज के साथ उपलब्ध है दबंग महिंद्रा। एक दो जिले में नहीं, झारखंड के 6 जिलों में टेकरीवाल शोरूम दे रही है अपनी सेवा। आज ही महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदिए और पाएं ढेरों उपहार। जल्दी कीजिए, कहीं ऑफर छूट न जाए। बिना देर किए संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। गुड्डा 8294630830। आज आप कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपने प्रमोशन के उम्मीद से हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बोल दिया है कि आप बच्चों को प्रमोट कीजिए सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन अभी डेढ़ साल होने जा रहा है। अभी कॉलेज की तरफ से मनमानी किया जा रहा है कि नहीं एग्ज़ाम होगा, पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी बोल दिया कि नहीं आप सेकंड सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो हम अपने प्रमोशन के मांग से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसकी गुंडागर्दी तो नहीं? गुंडागर्दी तो नहीं इस तरह की जो स्टूडेंट? बिल्कुल गुंडागर्दी है, बिल्कुल अपना मनमानी ना कॉलेज यूनिवर्सिटी का सुन रहा है ना शिक्षा विभाग का सुन रहा है। हर एक तो इसको मनमानी ही कहेंगे। हर एक चीज में इसका ऑटोनोमस नहीं दिखता है, लेकिन एग्जामिनेशन पर जैसे आता है तो इसको ऑटोनोमस दिखने लगता है। जब आर्यभट्ट बोल चुका है, जब आप एफिलिएटेड तो उसी से है ना, जब आर्यभट्ट बोल चुका है तो फिर आपका क्या ये मनमानी? अगर इनको एग्जाम लेना होता तो 5 महीने से पढ़ाई बंद है, उस दौरान ले सकते थे, इन्होंने नहीं लिया। बाकी कॉलेजेस केंद्र सरकार के आदेश पे ऑनलाइन एग्जाम लिए है, लेकिन इन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं लिया है। आप खुद सोचिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, 2 साल का सेशन होता है एमबीए का, डेढ़ साल होने जा रहा है, 4 सेमेस्टर होते हैं, इसमें एक भी सेमेस्टर नहीं लिया गया, कहाँ जाएगा? एक साल में 3 सेमेस्टर हम लोग दे देंगे क्या? और फी 80% क्लियर नहीं हुआ है और ये लोग सेकंड सेमेस्टर का हम लोग से पैसा भी ले लिए और पढ़ाए हैं हम लोग को ऑनलाइन, अब एग्जाम बोलते हैं देने के लिए हम लोग ऑफलाइन, आधा पेट खिला करके पूरा पेट का काम लेता है। एग्जाम कराकर पैसे की उगाही तो नहीं की जा रही? अब ये तो ये लोग जानेंगे ना, ये लोग जा रही है बिहार गवर्नमेंट द्वारा फंडेशन है। इस मामले में बोल सकते हैं आप स्टूडेंट क्रेडिट का जो लोन होता है, स्टूडेंट लोग जो कराता है, जो सक्षम नहीं होता है फी पे करने में, उन लोग अभी तक ये लोग फंड रिलीज नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ 2 सेमेस्टर का हम लोग फी अभी तक पे कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 80% फी दे चुके हैं, अभी फाइन दे के भरे हैं। 1,000 रुपया फाइन लिया गया था, अभी फंड रिलीज नहीं किया गया। 2022 से हमको उम्मीद के साथ कि हाँ सरकार ने क्या, मुझ पर कॉलेज एकदम सपोर्टिव नहीं है, हर एक मामले में सपोर्टिव नहीं है। कुछ फंड को हो सकता है कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होंगे लोग। यहाँ तक कि आप इसके क्लासरूम को देख लीजिए, इसके बाथरूम्स को देख लीजिए, बहुत गंदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कॉलेज का, एसी तक आवाज, हर साल कॉलेज 10,000 रुपया डेवलपमेंट फी लेती है, लेकिन कुछ आप अंदर जाके देख लीजिए डेवलपमेंट के नाम पे क्या है। बाथरूम में आपको फेनाइल तक का स्मेल नहीं पता चलेगा। ये लोग रेपुटेशन का बात कर रहे हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल में डेली फेनाइल और बाथरूम का साफ सफाई होता है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट पढ़े लोग हैं यहाँ, तो आप जाके आप सर्वे कर लीजिए।